हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें दो कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला यह है कि जब किसी ट्रांसफॉर्मर को किसी पोल्यूटेड एरिया या फिर मॉइस्चराइज एरिया में रखा जाता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है या फिर माइनिंग, तब ट्रांसफॉर्मर के सिलिका जेल ब्रीदर में से कुछ मॉइस्चर या फिर रजकण ऑयल में मिल जाती है, जिसके कारण ऑयल खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण से ऑयल की टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है और इसके अलावा ऑयल खराब हो जाए तो उसे बदलना पड़ता है या फिर फिल्टरेशन करना पड़ता है। जब ऑयल खराब होता है तब ट्रांसफॉर्मर की और भी खामियां पैदा हो जाती है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वाइंडिंग इंसुलेशन वीक पड़ जाता है, ट्रांसफॉर्मर की लाइफ है वह भी घट जाती है। जो दूसरा कारण यह है कि ट्रांसफॉर्मर के जॉइंट, वाल्व, रेडिएटर या फिर कंजर्वेटर टैंक में से ऑयल लीकेज होना आम बात है। आज हम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानने वाले हैं जिसमें जो ऑयल है वह एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आता और ऑयल लीकेज का भी प्रश्न नहीं होता है। इस ट्रांसफॉर्मर को हम हर्मेटिकली सील ट्रांसफॉर्मर या फिर कॉर्ग्यूटेड फिन वॉल ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर टैंक और सिलिका जेल ब्रीदर का यूज नहीं किया जाता। जब ऑयल गर्म होता है तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसके लिए उसे जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए मेन टैंक में ही ऑयल फैलने की जगह रखी जाती है। इस ट्रांसफार्मर को बोल्ट से फिट ना करके पूरा पूरा ही वेल्डिंग किया जाता है और पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, इसलिए इसे हर्मेटिकली सील ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर में ट्रेडिशनली रेडिएटर है उसकी जगह पर कॉर्ग्यूटेड फिन वॉल यूज करते हैं, जो ऑयल को ठंडा करने का काम करती है और इसको भी ट्रांसफॉर्मर की टैंक के साथ वेल्डिंग किया जाता है, जिससे कोई जॉइंट ना होके ऑयल लीकेज का प्रश्न नहीं होता। कॉर्ग्यूटेड फिन वॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कॉर्ग्यूटेड जैसा है, जो साइकिल जैसा आकार होता है, इसे हम कॉर्ग्यूटेड कहते हैं। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मर का दूसरा नाम भी कॉर्ग्यूटेड फिन वॉल ट्रांसफॉर्मर है। इसमें कोर और वाइंडिंग ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोर सिलिकॉन स्टील और वाइंडिंग कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। जब ऑयल एयर के कांटेक्ट में नहीं आता तब ऑयल खराब भी नहीं होता और ऑयल खराब ना होने की वजह से उसे बदलना या फिर फिल्टरेशन का प्रश्न भी खड़ा नहीं होता। पूरा ट्रांसफॉर्मर वेल्डेड होता है, इसलिए पूरा का पूरा सील हो जाता है और उसकी वजह से ऑयल लीकेज का भी प्रश्न नहीं खड़ा होता। रेडिएटर की जगह कॉर्ग्यूटेड वॉल यूज करने की वजह से 30% तक मटेरियल की बचत होती है और टैंक कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल की भी रिक्वायरमेंट कम रहती है। जब लोड बढ़ता है तब ऑयल की डेंसिटी बढ़ जाती है, उस वक्त कंजर्वेटर का काम ट्रांसफॉर्मर के टैंक के ऊपर जो स्पेस दी गई है वह करता है। जब ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट का प्रश्न खड़ा होता है और जो ऑयल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ठंडा नहीं हो पाता है, तब ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस वक्त उस गैस फ्यूजन फेनोमेना यूज किया जाता है
उसमें ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाजू में एक गैस की बोतल रखी जाती है जिसमें नाइट्रोजन गैस होता है, और उसको ट्रांसफॉर्मर के साथ ऊपरी भाग में जो टैंक के ऊपर हमने स्पेस छोड़ी है वहाँ पे उसे कनेक्ट किया जाता है। जब ऑयल का वॉल्यूम बढ़ता है तब ऊपर की ओर आता है और नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है, उस वक्त वह ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। पर जब ऑयल का वॉल्यूम और बढ़ता है तब नाइट्रोजन गैस और ऑयल से पैदा होने वाले गैस वाल्व की मदद से बाहर निकल जाते हैं। जब ऑयल की लोडिंग कम होती है तब ऑयल का वॉल्यूम कम होता है और अब ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपरी भाग में नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन फ्यूजन की मदद से भरा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।